जय हिंद दोस्तों, आज हम 30 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक, एशियाई विकास आउटलुक 2021 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ठीक तरह से याद रखो। तो एशियाई विकास आउटलुक 2021 ये प्रकाशित करता है दोस्तों एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक का जो हो हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वह है मनीला फिलीपींस। ये इसका एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष जो है वह है मसद सुबू असकावा। इसको आप ध्यान रखना, ये इस बैंक के अध्यक्ष है और इसके उपाध्यक्ष जो है वह है अशोक लवासा। ये दोस्तों अशोक लवासा जो है इसके उपाध्यक्ष है। तो आपको ये पता होना चाहिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मनीला फिलीपींस के अंदर और इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों वो है मसद सुबू असकावा और इसके उपाध्यक्ष है ये है अशोक लवासा। और इसका जो प्रतिशत बढ़ने की जो संभावना है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो बढ़ने की संभावना है दोस्तों यह है 11%। कितने प्रतिशत है? 11% बढ़ने की संभावना है 2021-22 में और 2022-23 में 7% बढ़ने की संभावना है। तो अब 21-22 में कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? तो 11%। अप्रैल नहीं, यहाँ पर 11%। कितना है दोस्तों? 11% बढ़ने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। यहाँ पे ये जो अप्रैल लिखा है दोस्तों अप्रैल नहीं है, यहाँ पर आप कर देना प्रतिशत। ये पूरा क्या है दोस्तों? ये प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर टू, प्रथम भारतीय और एशियाई जिन्हें 27 अप्रैल 2021 को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है उनका नाम है दोस्तों यहाँ पर कृतिकरंत इनका नाम है। ये जो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कृतिकरंत इनको दिया गया है। कृतिकरण ये अवार्ड जो है दोस्तों वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और वन्य संरक्षण के लिए काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इसका आंसर सबको पता लग गया, कृतिकरण इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में किसने अपना वेयर अबाउट्स नाम से उपन्यास लॉन्च किया है? वेयर अबाउट्स ये जो उपन्यास है दोस्तों ये लॉन्च किया है झुंपा लाहिड़ी। ये झुंपा लाहिड़ी जो है इन्होंने ये उपन्यास लॉन्च किया है। अब ये जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ऐसे लिविंग माउंटेन, कल ही मैंने बताया था आपको लिविंग माउंटेन, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है दोस्तों अमिताभ घोष जी ने। किसने लिखी है? अमिताभ घोष। इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए
54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया है, अमिताभ घोष जी को। नेक्स्ट, इसी में अगर आपसे पूछा जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अगर ये आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर दोस्तों अरुंधति रॉय, इसका आंसर दोस्तों अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। इन सबको आप अपने नोटबुक के अंदर लिखते चलो। और अरुंधति रॉय जो है यह पहली भारतीय है जिनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? बुकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिलीव, बिलीव जो पुस्तक है दोस्तों इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है सुरेश रैना। बिलीव, बिलीव जो किताब है, BELIEV, बिलीव जो पुस्तक है उसका लेखक है दोस्तों सुरेश रैना। सुरेश रैना ने लिखी है बिलीव पुस्तक। नेक्स्ट, युवराज सिंह ने भी पुस्तक लिखी है, उसका नाम है दोस्तों टेस्ट ऑफ माय लाइफ। युवराज सिंह की किताब है टेस्ट ऑफ माय लाइफ, टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये किताब है दोस्तों किसकी? युवराज सिंह की, युवराज सिंह की किताब है दोस्तों टेस्ट ऑफ माय लाइफ। नेक्स्ट, सौरभ गांगुली की भी एक किताब है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरभ गांगुली की किताब दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किताब है दोस्तों किसकी? सौरभ गांगुली की, ये किताब है दोस्तों किसकी है? सौरभ गांगुली को। अपने नोटबुक के अंदर ये सब लिखते चलो। और सचिन की भी किताब है दोस्तों प्लेइंग इट माई वे, सचिन सचिन की किताब है दोस्तों एक प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये किताब दोस्तों सचिन तेंदुलकर की। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, 28 अप्रैल 2021 को कौन सा खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में 50 अर्धशतक, कितने 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए? तो दोस्तों इनका नाम है डेविड वार्नर, इनका नाम है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने 50 अर्धशतक लगाए दोस्तों। डेविड वार्नर जो है ये सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलते, किसके तरफ से खेलते हैं ये? सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं ये। और T20 में इन्होंने 10,000 रन पूरे कर दिए, T20 में इन्होंने 10,000 रन जो है दोस्तों इन्होंने पूरे कर दिए। अगर T20 में सर्वाधिक रन अगर किस खिलाड़ी के अगर ये आपसे पूछा जाएगा, वो है दोस्तों क्रिस गेल। क्या नाम है उसका? क्रिस गेल। इन्होंने 13,000 रन बनाए दोस्तों, कितने बनाए? 13,000 रन बनाए। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, वो है दोस्तों हमारा भारतीय कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली जो है इन्होंने आईपीएल के अंदर 6,000 रन बनाए दोस्तों, और सबसे ज्यादा रन है 6,000 रन बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी आईपीएल के अंदर विराट कोहली। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बताओ आईपीएल 2020 कौन से क्रम का आईपीएल था? जो आईपीएल 2020 जो हुआ था ये कौन से क्रम का था? ये था 13वें क्रम का। और ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? UAE के अंदर ये हुआ था।
और इसका और अभी जो हो रहा है आईपीएल, ये कौन से नंबर का है? ये 14th नंबर का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे हम करेंगे महिला महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो वही दोस्तों वैशाली हिवासे को। किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली हिवासे। ये बीआरओ की पहली, बीआरओ की यूनिटें होती है, उस यूनिटों के अंदर पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर जो बनी है दोस्तों, वो बनी है वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे दोस्तों महाराष्ट्र से संबंध रखती है, महाराष्ट्र से कहाँ पर? वर्धा से, महाराष्ट्र वर्धा से संबंध रखती है। बीआरओ का कल ही मैंने बताया था आपको बीआरओ के बारे में दोस्तों। बीआरओ जो है, इससे बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। बीआरओ के महानिदेशक दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इसके महानिदेशक दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, राजीव चौधरी जो है इसके महानिदेशक है। एक क्वेश्चन महिलाओं के बारे में चल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सृष्टि गोसावी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए सबको। सृष्टि गोस्वामी जो है उत्तराखंड की, किसकी दोस्तों? उत्तराखंड की एक दिन के लिए इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। और पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहली महिला रेफरी कौन बनी थी दोस्तों? वो बनी थी जी लक्ष्मी। कौन थी? जी लक्ष्मी। इन्हें पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहली महिला रेफरी अगर कौन बनी थी तो वो थी दोस्तों जी लक्ष्मी। और एक दिन की जो मुख्यमंत्री बनाई गई थी, सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। और बीआरओ से एक संबंध रखना, कल ही मैंने आपको बताया था दंतक परियोजना, ये बीआरओ की परियोजना है। ये कौन से देश में चलती है? ये चलती है दोस्तों भूटान के अंदर। भूटान के कैपिटल है थिम्पू और वहां की जो करेंसी है दोस्तों नुगल ट्रम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 4,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान करने की घोषणा की है। WHO, WHO का हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश दोस्तों 194। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके सदस्य देश थे 51 और अभी इसके सदस्य देश दोस्तों 194। जिनेवा के अंदर ही और एक हेडक्वार्टर है, उसका नाम है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 31 ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड के अंदर है, लेकिन अभी जो है, अभी
अभी जो है इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, WHO और WTO, इसको आप याद रखो। ऑक्सीजन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किस स्थानों के मध्य चलाई गई थी? तो दोस्तों पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है दोस्तों वो चलाई गई थी मुंबई और विशाखापट्टनम, इनके ऊपर इन जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी इनके ऊपर ऑक्सीजन के जो ट्रक थे उनको रखा गया था और जल्दी से जल्दी वो ऑक्सीजन जो है पूरे भारत में पहुँचे, यही इसका मकसद था। ऑपरेशन ऑक्सीजन किसके द्वारा चलाया गया था? दोस्तों ऑपरेशन ऑक्सीजन जो है ये एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था, एयरफोर्स के द्वारा। और जो ट्रक थे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर ऑक्सीजन ट्रक रखी थी और ऑपरेशन ऑक्सीजन एयरफोर्स के जो प्लेन है उनके अंदर IL-17 इनके अंदर जो है ट्रक को ऑक्सीजन के ट्रक को रखा गया था और जल्दी जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर जल्दी जल्दी वो ट्रक पहुँचे। वायु पहल किसके द्वारा भारत में चलाई गई? वायु पहल जो योजना है दोस्तों ये अमेजॉन के द्वारा भारत में चलाई गई योजना है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दोस्तों, 28 अप्रैल 2021 को अपोलो 11 मिशन के किस सदस्य का निधन हो गया? देखो दोस्तों 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन हुआ था। चंद्रमा के ऊपर चांद के ऊपर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इस अपोलो मिशन के तहत ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चांद की सतह पर उतरने वाला पहला इंसान था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर आपसे पूछे पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहला व्यक्ति था। दूसरा व्यक्ति कौन था दोस्तों? बज एल्ड्रिन था दोस्तों सेकंड। और तीसरा इंसान अगर कौन अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों वो थे माइकल कोलिन, वो कोलिन्स कौन थे, वो तीसरा व्यक्ति था दोस्तों माइकल कोलिन्स का ही अभी निधन हो गया है इसलिए इसको याद रखो, माइकल कोलिन्स का अभी अभी निधन हो गया है। और इनका जो नाम है वो सबको याद होना चाहिए। माइकल कोलिंस का संबंध किससे दोस्तों? अपोलो 11 मिशन से इनका संबंध है इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी अंतरिक्ष के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं, तो इसका आंसर किसके आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा दोस्तों माइकल कोलिंस इसका आंसर होगा। अंतरिक्ष के बारे में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, इसको ध्यान रखो। यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, ये तो था पहला व्यक्ति। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाला अगर पहला जानवर अगर आपसे पूछेंगे तो पहला जानवर कौन होगा दोस्तों? लाइका फीमेल डॉग, इसको भी ध्यान रखो। लाइका फीमेल डॉग जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहला जानवर था, ये कौन सी थी? फीमेल डॉग थी। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर क्या था? उसका नाम था दोस्तों लाइका। तो भारत का पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था और उसका नाम क्या था?
तो भारत का पहला सैटेलाइट था दोस्तों आर्यभट्ट। भारत का पहला सैटेलाइट क्या था? आर्यभट्ट। और ये कब लॉन्च किया था? 1975 में इसको लॉन्च किया था। विश्व का पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा था दोस्तों? विश्व का पहला कृत्रिम सैटेलाइट था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 से ध्यान रखो दोस्तों, ये स्पुतनिक 1 ये किसकी थी? ये कृत्रिम सैटेलाइट ये था दोस्तों रूस का। और इसे कब भेजा गया था? इसे भेजा गया था 1957 में, इसे भेजा गया था रूस द्वारा स्पुतनिक से। और एक चीज़ आपको याद आ गई होगी, कोरोना के काल में सबसे पहले वैक्सीन अगर जो लॉन्च की गई थी वो रशिया ने ही लॉन्च की थी, और उसका नाम भी क्या था? स्पुतनिक 1 उसका नाम था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस से याद आ गया, मैं आज या कल एक क्लास दूंगा, उसमें पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं वो कौन से राज्य में कौन सा नृत्य राज्य नृत्य है और कौन सा नृत्य फेमस है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो आ जाएगा। तो आप वो जितने भी नृत्य हैं उनको अपने नोटबुक के अंदर पक्का लिख लेना, पेपर के अंदर 1 मार्क तो आपका दोस्तों उसके ऊपर 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बीते दिनों आयुष 64, बीते दोस्तों आयुष 64, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आयुष 64 ध्यान रखो। बीते दिनों आयुष 64 समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये किससे संबंधित है? ये है कोविड-19 संक्रमण के उपचार की दवा। एक्चुअली दवा है दोस्तों, ये 1980 में ही दवा बन गई थी आयुष 64। आयुष 64 जो है ये एक आयुर्वेदिक दवा है। ये दवा वैसे मलेरिया का जो इलाज है उसके लिए काम आती है, लेकिन जिसके अंदर कोविड-19 के कम लक्षण हैं, लक्षण ना के बराबर है, जिसको जैसे बेचैनी और हो रही है या नॉर्मल ऐसे बुखार वगैरह है, तो ये इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुष 64 दवा जो है अभी सुर्खियों में बहुत रही है, तो ये दवा आप याद रखना, आयुष 64 दवा किससे संबंधित है? कोविड-19 संक्रमण के उपचार की दवा भी है ये। क्वेश्चन नंबर 10, स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस से हवा में मार करने वाले कौन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों ये है मिसाइल पाइथन 5 दोस्तों। कौन सा? ये पाइथन 5 मिसाइल है, और ये मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है दोस्तों। ये जो मिसाइल है, जो तेजस तेजस जो हमारा फाइटर है, फाइटर जेट, इसके ऊपर इसको लॉन्च करके हवा से हवा मार मार किया जाता है। तो तेजस जो है दोस्तों ये कहाँ पर बनाया गया था? ये बनाया गया था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया गया था। और एक मिसाइल को याद रखो, मिसाइल से बराक 8, बराक 8 मिसाइल जो है ये दोस्तों कौन सी देश की सहायता से हमने बनाया था? इसको बनाया था दोस्तों हमने इज़राइल की सहायता से बनाया था। किससे बनाया था हमने? इज़राइल की सहायता से हमने इसको बनाया था। और दोस्तों ये पाइथन 5 जो मिसाइल है ये किसने बनाया है? ये भी इज़राइल ने ही बनाया है दोस्तों। किसने बनाया है? इज़राइल ने ही बनाया इसको। और ये 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल का अटैक करने वाला है। और दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं,
और सबके लिए क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन थी? इसका आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली का करंट अफेयर और नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।